सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम हसिक एंड यू आर वॉचिंग रेसलिंग बुक्स। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्या रोंडा राउजी या स्मैकडाउन पर चली जाएंगी और रॉ के नए जनरल मैनेजर क्या रोमन रेंस होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सभी जानते हैं कि फॉक्स नेटवर्क स्मैकडाउन से जुड़ चुकी है, जो कि 2019 से ले लेंगी स्मैकडाउन को अपने अंदर फॉक्स नेटवर्क। तो फॉक्स नेटवर्क ये मांग कर रही है कि रोंडा राउजी उनके अंदर स्मैकडाउन के अंदर चली जाए। तो क्या WWE इनकी मांग पूरी करेंगी, आगे ये देखना होगा कि रोंडा राउजी कब स्मैकडाउन पर जाती हैं और कब, मतलब उनका किसके साथ फ्यूड होगा। तो देखते हैं कि उनकी मांग, फॉक्स नेटवर्क का जो मांग है वो पूरा होता है कि नहीं और रोंडा राउजी जाती हैं कि नहीं। तो रोंडा राउजी बड़ी सुपरस्टार हैं, वो जा भी सकती हैं और स्मैकडाउन को बहुत ही अच्छा आगे बढ़ा सकती है। फिर हम अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो कि रोमन रेंस से है। तो दोस्तों, रोमन रेंस लुकेमिया के चलते बाहर हैं, एक दो साल तो निश्चित है बाहर वो रहेंगे। तो WWE के जितना भी रेटिंग गिर रहा है, सब चीज़, फैंस जितने भी रोमन रेंस के वो अपसेट हैं कि रोमन रेंस चले गए। तो WWE ऐसा कर सकती है कि रोमन रेंस को न्यू जनरल मैनेजर बना दिया जाए, क्योंकि बैरन कॉर्बिन तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। इससे क्या होगा कि फैंस भी इन्हें पसंद करते रहेंगे और रॉक का जो व्यूअरशिप है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो रोमन रेंस के फैंस के लिए ये अच्छी अपडेट हो सकती है अगर WWE ऐसा करे। और अपडेट भी है कि ऐसा कर सकती है, क्योंकि इससे होगा उनका कैंसर भी चलता रहेगा और फैंस उन्हें भूलेंगे भी नहीं, मतलब भूलेंगे तो ऐसा भी नहीं, बट उनके सामने रहेंगे तो रो ज़रूर देखेंगे और मज़ा आएगा उनके जनरल मैनेजर बनने पर। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।